यार जल्दी खिलाने का इनको मकसद मेरा सिर्फ एक ही है कि आज यार हम अपना जो ब्लैकू है उसको गंजा करा देंगे। तो यार चाचा जो है ना दोस्तों, उन्होंने पूरा हमारे को बेवकूफ बना दिया। तकरीबन सारे बजे यार ये देखें, हाँप रहे गर्मी से। ये भाई ब्लैकू, कल कटेंगे अब तुम्हारे बाल, एक दिन और इन बालों में जी लो। चलो भाई, आज तो भाई हमारे परिंदों के मजे आ गए। चेक कर रहे, बिरयानी बना के लाया तुम्हारा भाई, ये देखो। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत हो गए। तो यार एक तरीके से इनकी बिरयानी है, तो मैंने बोला बिरयानी ही बोल दूँ। खैर बाकी यार आज जो है ना आपका भाई छत पे जो है ना, हम बहुत जल्दी टाइमिंग पे आए। इस टाइम में वैसे आता नहीं हूँ, देख रहे हो धूप अभी तक गई नहीं है, और धूप की शिद्दत यकीन जानो जला रही है इंसान को, जलाने वाली धूप हो रही है इतनी शिद्दत की। और हीट स्ट्रोक चल रहा है कराची में भी, हैदराबाद में भी, तकरीबन पाकिस्तान में हर जगह हीट स्ट्रोक चल रहा है। जहाँ जहाँ घर में रहते हैं ना वहाँ हर जगह चल, सिंध तो पूरा लपेट में आया हुआ है। तो अपना भी ख्याल रखें, अपने बुजुर्गों का, अपने बच्चों का, सबका ख्याल रखें दोस्तों, और हिफ्ज़ो अमान में रहें अल्लाह पाक की। बाकी चलो यार इनको ये बिरयानी अगर हम खिलाते हैं, और जल्दी खिलाने का मकसद मेरा क्या है इन लोगों को ये मैं तुम लोगों को बताता चलूँ। तो पहले इसको रखूँ यार यहाँ। तो यार जल्दी खिलाने का इनको मकसद मेरा सिर्फ एक ही है कि कल हमने ब्लैकू को रखने की परमिशन ले ली। तो यार गर्मी की शिद्दत के बायस बढ़ती हुई हमने सोचा यार ब्लैकू जो है वो रह नहीं पा रहा, क्योंकि उसके ऊपर आपने देखा उसका पूरा कवर, कितना ज़्यादा बाल है उसके, और पूरा कवर हुआ हुआ है, और उसके ना हल्की फुल्की जुएं भी हो सकती हैं उस चीज़ से। तो उस चीज़ पे हमने देखते हुए ये फैसला करा कि आज यार हम अपना जो ब्लैकू है उसको गंजा करा देंगे। खैर से यार अभी जो है मैंने बात करी थी दोस्त के पास, एक बंदे का नंबर था, वो घर आके चाचा हैं शायद कोई, वो आके काट जाते हैं बाल। तो उनको हमने रब्ता करा, तो उन्होंने बोला कि आप टाइमिंग बता दें, मैं आ जाऊँगा। हमने उन्हें यार 4 बजे की टाइमिंग दी थी, पर अभी जो है ना 4:15 हो गए, अभी तक वो आए नहीं है। वो साइकिल पर आते हैं तो उन्हें थोड़ा लेट हो सकता है, तो जब तक मैंने बोला यार इनको कर दूं, फिर आराम से फारिग होके हम उसको गंजा करा देंगे अपने ब्लैकू को। तो चलो यार जल्दी जल्दी मैं जो हूं इनको खाना पीना करूं, और ब्लैकू का इंतजार करूं, उनका जल्दी से आए, और फिर ब्लैकू को मुझे गंजा होते हुए देखना है कि ब्लैकू गंजा होके कैसा लगेगा। यार सबसे पहले जो है हर बार की तरह हम अपने ब्राउनी को खोल देते हैं। अरे खुल जा भाई, चलो भाई ब्राउनी जल्दी जल्दी खाना, जल्दी जल्दी फटाफट खत्म करो। तो यार इन सबको मैं खिला पिला के पहले सारों को फारिग हो जाऊं, फिर हम वेट करते हैं कि चाचा जो है वो कब तक आएंगे यार, क्योंकि मुझे ये हो रहा है कि देर ना हो जाए, चाचा ज्यादा देर ना लगा दें। तो यार सबको जो है मैंने दाना पानी देके फारिग कर दिया है, और गर्मी की शिद्दत की वजह से ना मैंने इन लोगों के स्प्रे भी कर दिया है एक एक के। देखें वो जो है वो अभी नहारी थी नीचे बैठे हुए आराम से, और ये देखें इन्होंने पर खुले हुए ना, सबको स्प्रे कर दिया है। यार बहुत शिद्दत की गर्मी है दोस्तों, और शायद गर्मी की वजह से ना अभी तक देखें चाचा भी नहीं आए जो बाल काटेंगे। खैर मैं उनका वेट कर रहा हूँ यार, अब वेट करते हैं वो 5 बजे आए, 5:30 या 6 कब आते हैं, लेकिन शाम ढलने से पहले उन्हें आना है लाजमी, तभी हमारा काम हो पाएगा। खैर से मैं वेट कर रहा हूँ, जैसे चाचा आते हैं आप लोगों को भी दिखाता हूँ, और खुद भी देखते हैं आज ब्लैकू को गंजा होते हुए। तो यार शाम का टाइम हो गया दोस्तों, और मैं जो हूँ छत पे वापस आ गया हूँ चाय लेके अपनी। यार चाचा जो है ना उन्होंने ना बहुत ज़्यादा टाइम लगा दिया है, और अभी अभी भाई ने ना उनको कॉल की थी, कॉल करके भाई ने पूछा उन्हें कि कहाँ पे रह गए, तो वो बोलने के मैं भाई कल आ जाऊँ, तो भाई ने बोला नहीं अभी आ जाओ, भाई ने भी जल्दी में बोल दिया। पर मैंने बोला उन्हें कि भाई अगर वो मगरिब के बाद आते हैं तो कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि बाल उतरवाना अंधेरे में और यहाँ लाइट गई हुई है, फिर उन्हें काम रखेंगे यार कैसे बाल कटवाएंगे। मैं चाह रहा था गली में रोशनी में कट जाए तो बेहतर है, पर आप वेट ही कर रहे हैं हम। अगर मगरिब से पहले थोड़ी देर पहले भी आ गए, क्योंकि 15-20 मिनट का काम है उनका बाल उतारना, ज़्यादा नहीं है, उनकी तो प्रैक्टिस होती है, अगर जल्दी आ गए तो ठीक, नहीं आए तो यार फिर हम उन्हें कल ही बुलाएंगे, फिर उन्हें मना कर देंगे आज का, फिर कल बुलवा लेंगे। बाकी यार मैं चाय पीऊँ, और इन लोगों को मैंने खोला भी नहीं था इसी चक्कर में कि वो आ जाएंगे, तो इन लोगों को खोल देता हूँ। तो यार चाचा जो है ना दोस्तों, उन्होंने पूरा हमारे को बेवकूफ़ बना दिया, और अभी तकरीबन 7 बजे रहे हैं, 7:05 या 7:10 हो रहे हैं, और मैं ऊपर बैठा हूँ। 15-20 मिनट बाद ना मगरिब हो जाएगी, मौसम का हाल आप लोग देख सकते हैं, सिर्फ 15-20 मिनट बाद मगरिब हो जाएगी, फिर हमारा फ़ायदा नहीं है, फिर मगरिब के बाद अंधेरे में मैं क्या उनसे बाल कटवाऊँ। खैर से एक चीज़ दिखाऊँ तुम लोगों को यार, ये रेत पड़ी हुई है, ये तुम लोगों ने सुबह भी देखी होगी जब मैंने व्लॉग स्टार्ट करा था। तो यार ये हम इसलिए लाए हैं क्योंकि जो है एक काम करवा रहे हैं हम,
छोटा सा काम है, बहुत बड़ा नहीं है, बहुत मामूली छोटा सा, वो मैं आप लोगों को उसी दिन बताऊंगा जिस दिन होगा। बाकी ये काम हमने कराना तो 1 से 2 दिन में था, पर ये काम ना रात को वो बंदा आया और वो डाल के चला गया, और वो बोल रहा है कि मैं रात में वो काम करूंगा, पर हमें जो है वो दिन में करवाना था। दिन में काम कराने का मकसद ये था कि आंखों के सामने हो, क्योंकि बजरी और सीमेंट का काम है तो वो शाम का एक होता है या फिर दोपहर का या सुबह का। रात में ये काम नहीं कराया करें, बेकार होता है वरना, क्योंकि रात में बहुत चूना लग जाता है फजूल का, सीधी बात, बेकार काम होता है वो जल्दबाजी में भागम दौड़ में और दिखता भी नहीं है कुछ, तो इस वजह से मैंने भाई को मना कर दिया। वो जल्दी में डाल के चला गया तो इस वजह से मिट्टी पड़ी हुई है। अब जैसे उस बंदे को टाइम मिलता है हम किसी और को पकड़ते हैं, उससे वो काम कराते हैं, और किस दिन कराते हैं वो देखते हैं। अब यार अल्लाह पाक से दुआ है कि जल्द अज जल्द ना ये जो गर्मी है जल्द अज जल्द इसका यार जोर टूट जाए। हब्स का देख रहे हैं परिंदों की क्या हालत हो रही है, इसको देखें दोस्तों, ये जो बजी है, और इस वाले बजी को भी देखें, तकरीबन सारे बजीज यार ये देखें हाँप रहे हैं गर्मी से। और इनको यार मैं पानी 2-2 टाइम दे रहा हूँ, सुबह भी रख के जाता हूँ, उसके बाद बीच में आके देखता हूँ पानी साफ होता है ठीक, गंदा होता है फिर चेंज कर देता हूँ, और फिर इन पर स्प्रे भी मार रहा हूँ मैं हल्का फुल्का, इन पर इतना पड़ता नहीं है, फिर भी मैं हल्का फुल्का मार के जाता हूँ ताकि ये जो हैं हीटअप से बचे रहें, क्योंकि गर्मी का प्रेशर बहुत शिद्दत का हो गया है यार, बहुत ज़्यादा। तो यार हम जो हैं वो नीचे आ चुके हैं दोस्तों, और ब्लैकू जो है ना हमारा भाई, तुम्हारी किस्मत बहुत अच्छी थी ब्लैको कि तुम बच गए हो आज, यकीन जानो, वरना तुम जो खड़े हुए अभी दिख रहे हो ना, अभी पूरा दिखावे था, अभी पूरे गंजे होते ये भाई साहब। यार मुझे ना बड़ा दिल था आज इसको गंजा कराने का, पर यकीन जाने चाचा ने जो हरकत की है ना, मैंने उनको देखा हुआ तो ये चाचा को, पर अब याद नहीं है ज्यादा, बट चाचा ही है वो, उन्होंने जो हरकत की है ना आज ना आगे यार क्या बताऊं। खैर होगा कोई यार, काम वाम में फंस गए हो बेचारे, कुछ बोल नहीं सकते, इंसान है 10 काम होते हैं। खैर से हमने कॉल की थी वापसी दोस्तों आखिरी बार अभी, तो उनका नंबर बन जा रहा था, तो अगर चाचा आ गए तो उन्हें मना करके कल बुला लेंगे, फिर सुकून से कटवाएंगे ब्लैकू के बाल। ठीक है भाई ब्लैकू, कल कटेंगे अब तुम्हारे बाल, एक दिन और इन बालों में जी लो। यार इसको बहुत गर्मी लग रही है इन बालों में, देखो ना ये बेचारा परेशान हुआ हुआ अपने बालों से, ये गंजा हो जाएगा ना तो बहुत सुकून में आ जाएगा। अब खैर से अब क्या कर सकते हैं यार। ठीक है भाई चलो एक दिन और रह लो इन्हीं बालों में, कल तुम्हारे को हम फ्री कर देंगे इन बालों से। ठीक है मेरा हिल गया है ये, बहुत अच्छा सा यकीन जानो, बहुत प्यारा हिल गया माशाल्लाह, देखो प्यार कर रहा है। ये लो भाई ब्लैकू पानी पी, जल्दी 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 पानी पियो। क्या हुआ नहीं प्यास लगी? प्यास नहीं लग रही यार इतनी गर्मी में, हमारी तो हालत खराब हुई हुई है, इसको प्यास नहीं लग रही। वैसे दिन में ना 3-3, 4-4 मरतबा पीता ही है, इसको हर थोड़ी देर बाद लाके मेरे को पानी पिलाना पड़ता है, ये लगा लो कि 1 घंटे के वक्फे के बाद, फिर ऐसे मैं पिलाता रहता हूँ। कैसे भाई अभी इसका जो है वो बिल्कुल भी दिल नहीं कर रहा शायद पानी का, अभी इनका जो दिल कर रहा है ना वो ये कर रहा है कि मेरे साथ ये खेले, और मेरी हालत आप देख रहे हो। तो मैं यार अब जाऊँगा नहाने, क्योंकि मैं चाचा का वेट कर रहा था, अगर चाचा आ जाते तो हम इसको गंजा करा के फिर सुकून से नहाता फिर मैं, पर चाचा नहीं आए तो टाइम इतना जाया हो गया, तो खैर से अब नहाने जाऊंगा। खैर ठीक है भाई, तुम नहीं पीते तो यहाँ रख देते हैं भाई, जब इसका मूड होगा ना तब ब्लैकू पानी खुद पी लेगा। आज बच गया ब्लैकू बेटा, बच गया गंजा होते होते दिन, ठीक है ना, आज बच गए। तो यार ये थी मेरी आज की वीडियो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप लोगों को पसंद आई होगी, पसंद आई है तो मेरी इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और मेरे चैनल घर में शॉप को लाजमी सब्सक्राइब कर लीजिएगा मजे मजे के ब्लॉग्स के लिए। मिलते हैं इंशाल्लाह कल नए टॉपिक नए ब्लॉग के साथ, अभी के लिए दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफिज, टाटा बाय बाय। किस्मत है इसकी, बच गया ये ग्लैकू, बच गए तुम।